हेलो भाई नमस्कार, मैं विके विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मिथिला मैथमेटिक्स में। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे क्लास ट्वेल्थ का जो मैट्रिक्स हम लोग का चल रहा था एनसीईआरटी बुक से सर जी, उसमें देखे थे एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 3.2 को। उससे पहले थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट थ्योरी आप देख लीजिए, उसके बाद आप बढ़िया से बना सकते हैं है ना, कि दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे कैसे, दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे कैसे, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स है ना, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे। मान लेते हैं ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स होगा ए टू वन और ए टू टू, और बी इक्वल टू कोई मैट्रिक्स होगा सर जी बी टू वन और बी टू टू, ऐसा मान लेते हैं। जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तब क्या होगा, ध्यान रखिएगा A11 पहला, A12, A21 और A22 ऐसा नजर आ रहा है। प्लस में सर जी B11 क्या होगा, B12, B21 और आपके सामने B22 ऐड करना होगा दोनों को। कैसे जब ऐड करना होगा बाबू तब क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा संगत अवयव को ऐड कर देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देंगे। जैसे A11 इसका हुआ B11 तो ये हो जाएगा A11 प्लस B11, फिर होगा A12 प्लस B12, फिर A21 B21 तो A21 प्लस B21, A22 प्लस B22 यही होगा आपका आंसर। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन एक नंबर में कहता है आपके सामने कि यदि ए बराबर इतना है दिया गया, सबसे पहली बात लिखना होगा हम लोग को सॉल्यूशन है ना, उसके बाद है दिया गया है यानी गिवन है ना, गिवन कहता है कि ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, सी इक्वल टू इतना दिया गया है। क्या बोल रहा है, ए को ए बराबर कितना होगा, ध्यान रखना ए दिया गया आपके सामने 2, 4, 3 और 2 ये दिया गया है, फिर b दिया गया आपके सामने कितना 1, 3, -1 -2 है यहाँ पर और 5, उसके बाद c दिया गया आपके सामने कितना -2, -2, 5, 3 और 4 बोल रहा है ना, 3 और 4। इसमें पहला नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि a प्लस बी कितना होगा। जस्ट आपसे सीखा, आपको सिखा चुके हैं कि a प्लस बी क्या होगा। कहने का मतलब सर जी संगत अवयव को जोड़ना पड़ेगा, किसका किसका, जिसको जिसको बोल रहा है, ए प्लस बी बोल रहा है तो ए प्लस बी, ये हुआ ए और ये हुआ बी, तो जस्ट यहाँ पर लिख लेंगे 2, 4, 3, 2, उसके बाद प्लस में होगा 1, 3, -2 और 5। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ए प्लस बी क्या हो जाएगा, बोलिए ना, जोड़ना तो पड़ेगा अभी मेरे भाई, जोड़ना तो पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, 2 को 1 से जोड़िए तो 3 होगा, 4 को 3 से, 7 होगा 3 को -2 से तो +1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 2 को 5 से तो 7 हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका क्लियर आंसर। सिंपल सब आते हैं, इतनी तो आसान लैंग्वेज में। और ध्यान रखिएगा ऐसा क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में जरूर पूछता है, ऑब्जेक्टिव में दो नंबर में बोल रहा है, इसी का 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखो बोलता है a-b निकाल लें, सर जी जो फंडा आपको बोले थे प्लस में होगा वही फंडा माइनस में भी होगा, वही फंडा माइनस में भी होगा, उसके संगत अवयव को घटा देना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा देना है, सिंपल सब आते हैं। अब बोल रहा है a-b तो a के सामने कितना होगा 2, 4, 3, 2 यानी 2, 4, 3 और 2, माइनस b के सामने कितना है 1, 1, 3, -2 और 5, इसको घटा देना है, मतलब a माइनस बी पूछ रहा है तो घटा देंगे ना, बिल्कुल भाई साहब 2 - 1 कितना होगा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, बचा पार्टी 1 बचेगा, फिर 4 में से 3 जाएगा उसमें भी 1 बचेगा, 3 - -2 होगा। अब बे ध्यान दे इधर, -2 - -+ हो जाएगा तो 3 + 2 कितना होगा मेरे भाई 5 होगा, कितना होगा 5 होगा, 2 - 5 यानी -3, यही तो आपका आंसर हो गया, यही तो इसका आंसर हो गया। हाँ सर जी बिल्कुल, 3 नंबर में बोल रहा है 3a-c, ध्यान रखिएगा ये बातें वह पर लो, ध्यान रखना है यहाँ पर मेरी बात को। 2 क्वेश्चन आपको हम सिखा दिए,
लेकिन अब बोल रहा है थ्री ए माइनस सी, कहने का मतलब कुछ टॉपिक तो बदलेगा, कुछ टॉपिक तो बदलेगा और बिल्कुल बदलेगा। ध्यान रखिएगा, थ्री ए एक होता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन मतलब अदिश गुणन। क्या होता है? अदिश गुणन किसका सर जी? मैट्रिक्स का। मान लेंगे एक कोई मैट्रिक्स होगा, एक कोई मैट्रिक्स होगा जो होगा ए बी सी डी, है ना, और के कोई स्केलर होगा तो उसमें गुणा पर करना पड़ेगा किससे? के से। तो दोनों साइड करेंगे तो दोनों साइड मान लेंगे के से गुणा करेंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? के और जो है वो ए बी सी डी। बाबू एक बात ध्यान रखना है, इसके से इस अंदर में जितना एलिमेंट है ना सब में क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। क्या? मल्टीप्लाई। ध्यान रखना, के को करेंगे ए से तो हो जाएगा के ए, के को करेंगे बी से तो हो जाएगा के बी, के को सी से हो जाएगा के सी, के को डी से हो जाएगा के डी। अब यही तो आपका आंसर हो जाएगा, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। चाहे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, 3x3 का हो, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करना क्या पड़ेगा आपको? उसके जितना अवयव उसमें अवेलेबल है उस सभी अवयव में उससे क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? गुणा करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? चलो चलो क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन कहता है 3 नंबर में, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं क्योंकि वहाँ जगह बच जाएगा तो हम लोग काम कर लेंगे। थोड़ा देख लो यहाँ पर, क्वेश्चन कहता है 3 नंबर में, क्वेश्चन कहता है 3 नंबर में 3a माइनस सी। इसका मतलब पहले तो भाई साहब 3a निकालना पड़ेगा, उसके बाद c की बातें करेंगे। तो पहले 3a देखो, पहले 3a देखो यहाँ से। हैंस चूँकि 3a कितना होगा? 3a पहले हो जाएगा सर जी 3 से, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किस में? a में, और a आपके सामने अवेलेबल है 2 4 3, तो कितना है 2 4 3 2। अब क्या बताएं, 3 से गुना करिए इस अंदर में, 3 से गुना करो इस अंदर में मेरे भाई। तो 3 गुना 2 6 हो जाएगा, 3 गुना 4 12 हो जाएगा, 3 गुना 3 9 हो जाएगा, 3 गुना 2 6 हो जाएगा। यही होगा आपके सामने क्या? 3a। क्या होगा? 3a। अब बोल रहा है 3a माइनस सी, तो 9 9 मतलब अब इसीलिए 3a बोल रहा है और माइनस सी, तो 3a तो आपके सामने इतना है ही 6 12 9 6, और माइनस सी, सी इतना है सर जी, सी कितना है? माइनस 2 है, 5 है, 3 है और 4 है। ध्यान रखना बाबू, इसको घटाना पड़ेगा। अब तो आपको आ जाएगा घटाने, हम सिखाए हैं क्या, क्या सिखाए हैं कि आप संगत अवयव को घटा दो, करस्पोंडिंग एलिमेंट को क्या करो? घटा दो। सर जी आपका आंसर आपके कलम के नीचे कॉपी के ऊपर पहुंच जाएगा। 6 माइनस 2, तो ध्यान रखना बच्चा पार्टी, -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 प्लस 2 हो जाएगा आपके सामने कितना? बिल्कुल हो जाएगा 8। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब तुम निकाल लोगे यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 8। 6 माइनस 5 बचेगा 1, कितना बचेगा? 1। अब देखिए 9 माइनस 3 कितना बचेगा? 6। 6 माइनस 4 बचेगा आपके सामने 2। यही हो गया आपके सामने 3a माइनस c, यही हुआ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। कोई दिक्कत? चलो एक बार इसका आप सभी आदमी स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग एक बार देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ध्यान रखना बाबू, उसके बाद बोल रहा है मल्टीप्लीकेशन करना है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है a गुना b, क्या बोल रहा है? a गुना b क्या होगा? तो पहले देख लो, a रखेंगे, a आपके सामने कितना है देखो, तो a है आपके सामने 2 4 3 और 2। उसके बाद देख लो इंटू, इंटू मतलब गुना, गुना करना पड़ेगा किससे? b से। b आपके सामने अवेलेबल है 1, ध्यान रखना कितना है आपके सामने अवेलेबल? 1 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद -2 है, उसके बाद 5 है। ध्यान रखना ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनता है। मल्टीप्लीकेशन किसका? मैट्रिक्स का। आसान है, उतना टफ नहीं है, थोड़ा सा लेंथी तो जरूर बनेगा क्योंकि गुना है। ध्यान रखिएगा इसमें मल्टीप्लीकेशन करने का तरीका, अगर अभी तक नज़र कहीं और था तो रहने दो, लेकिन अब नज़र करो क्वेश्चन नंबर 4 पर। ध्यान रखना इसमें रो से गुना करके, रो को कॉलम से गुना करके रो बनाते हैं। ये फंडा अपनाना मेरे भाई, ये फंडा अपनाओगे तो आप बन पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा। देखो हम बोले हैं रो को कॉलम से, तो रो में क्या है? 2 4, तो 2 को करेंगे किससे? 1 से, तो 2 गुना 1 2 होगा,
प्लस करेंगे, चार को इससे करो, किससे, चार को दो से, दो को एक से किए, चार को दो से करेंगे, रो को कॉलम से गुना करके बोले हैं रो बनाने, तो चार को माइनस दो से करो, तो बाबू यहाँ पर कितना होगा, माइनस ऐसे कर लो, हाँ माइनस फोर टू जा एट होगा, कोई दिक्कत। अगला देखो, फिर इसको इससे करके रो, मतलब दो चार को कॉलम से गुना करके रो बनाना है, मतलब दो गुना तीन कितना होगा छः, यानी दो गुना तीन। उसके बाद देखो जोड़ना था, क्या करना था, जोड़ना था, चार को पाँच से करो, तो चार अगुना पाँच, यही है आपके सामने। ध्यान रखना, अब हम तो पहले रो से दोनों कॉलम में कर दिए गुना, अब दूसरे रो से दोनों कॉलम में गुना करेंगे सर जी, तो दूसरा रो तो तीन दो है, कॉलम में गुना करो, तो तीन गुना एक, तो तीन गुना एक प्लस दो गुना माइनस दो, तो माइनस चार होगा सर जी, माइनस चार। फिर तीन को तीन से करें, तीन को तीन से करें प्लस दो को पाँच से करें, दो गुना पाँच। मेरे भाई यहाँ पर होगा एक गुना बी, एक गुना बी यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो अगर दिखाई दे रहा है तो बढ़िया, नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से खुद से कैलकुलेशन कर लेना। आओ करते हैं, दो गुना एक माइनस आठ, मतलब दो में से आठ जाएगा माइनस छः, तीन गुना छः आप प्लस बीस, छब्बीस हो जाएगा। उसके बाद देखो तीन गुना एक तीन, हमें से चार जाएगा माइनस वन बचेगा। उसके बाद देख लो तीन दिया नौ, अब पाँच दो दस, नौ दस उन्नीस हो जाएगा, यही आपका हो गया आंसर। देखो बाबू साहब इसके बाद ये थोड़ा सा बनेगा, फिर से गुना सीख लो, गुना करने का नियम होता है रो को कॉलम से गुना करके रो बनाते हैं, रो को कॉलम से गुना करके रो बनाते हैं, तो पहले रो को सभी कॉलम से करके रो में लिख लेना, दूसरे रो को सभी कॉलम से गुना करके रो में लिख लेना, और ध्यान रखना दो नंबर को जब मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ पर ऐड करना, क्या करना, ऐड करना। चलो आई थिंक यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए आपके सामने पांचवा क्वेश्चन है बी ए, बहुत बच्चे के दिमाग में होता होगा सर जी ए बी निकालिए तो बी ए तो बराबर ही ना होगा, नहीं भाई साहब, मैट्रिक्स में ध्यान रखना ए बी बराबर बी ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो एक और आप सभी आदमी इसका स्क्रीनशॉट उठा लो, उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए दो नंबर क्वेश्चन कहता है इसको इसका मान निकालने, कंप्यूट करने बोल रहा है, भाई साहब करेंगे क्या, दोनों को जोड़ना है, सिंपल सा बात है, कुछ करना तो नहीं है, और जोड़ना तो पिछले क्या कहते हैं सवाल में आपको सिखा चुके हैं हम, क्या करेंगे ध्यान से सुनिए। यहाँ पर बोले थे संगत अवयव को, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करना है बाबू, ऐड कर देना है, तो ए को करेंगे ए से, तो ए इंटू ए प्लस ए टू ए, बी को इस बी से तो टू बी, बी को बी से तो जीरो, ए को ए से तो टू ए, यही हो गया आपका आंसर। ध्यान रखना है भाई माइनस बी प्लस बी कितना होगा, माइनस बी अब प्लस बी तो जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अब समझिए यहाँ से इसको ऐड करना पड़ेगा, इसको कैसे ऐड करेंगे आपको जस्ट सिखाए हैं, बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कीजिए आपका आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। इसको इससे करिए, थोड़ा सा फील करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये है अब प्लस टू ए बी, तो प्लस टू ए बी। उसके बाद देख लीजिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ये टू बी सी, ये टू बी सी। उसके बाद देखिए ध्यान रखना है इसको ऐड करेंगे इससे, फिर इसको इससे, फिर ध्यान रखना होगा इसको इससे और इसको इससे ऐड करेंगे, इस तरीका से समझने का कोशिश करिएगा। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उसको जोड़ेंगे इसके साथ तो माइनस टू ए सी होगा, फिर इसको इसके साथ तो सर जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होगा लेकिन माइनस टू ए बी, क्या माइनस टू ए बी ऐसा तो होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन एक बात बताओ बबुआ, क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी किसका फॉर्मूला होता है, तो कहोगे सर जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी, इसको लिखेंगे बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको देखो बबुआ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी, तो इसको लिखेंगे ए माइनस सी का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो आपका आंसर हो गया, यही तो आपका आंसर हो गया। चलिए आइए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, हमको ऐसा फील हो रहा है, बस जोड़ना है फार्मूला एडजस्ट कर देना है, क्या
आओ देखो यहाँ से अब इसको ऐड करेंगे। ध्यान रखना ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तीन गो रो है, तीन गो कॉलम है, ऐड तो करना है। ध्यान रखना मैट्रिक्स कौन मैट्रिक्स जुटेगा, मान लो दो मैट्रिक्स को जब जोड़ रहे हो तो ध्यान रखना दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर होना चाहिए, यानी ऑर्डर सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ऑर्डर जब सेम होगा तभी जा करके जुटेगा, अदरवाइज नहीं जुटेगा। बात समझ रहे हो ना बच्चा, और यहाँ से ध्यान से सुनो करेंगे क्या। अब जोड़ना है सर जी माइनस वन को प्लस 12 से, तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस 12। इसको जोड़ना है 7 से तो 4 प्लस 7, इसको जोड़ना है इससे तो माइनस 6 प्लस 6। यही तो जोड़ने का आपको फंडा सिखा चुके हैं हम बाबू। 8 को जोड़ेंगे 8 से तो 8 प्लस 8। 5 को जोड़ेंगे 0 से तो बाबू 5 प्लस 0। 16 को जोड़ेंगे 5 से भाई तो 16 प्लस 5। ऐसा तो होगा, ऐसा तो होगा। नजरें स्क्रीन पर, समझ रहे हो ना, कहाँ पर नजरें डालो, स्क्रीन पर। 2 को जोड़ेंगे 3 से तो 2 प्लस 3। 8 को जोड़ेंगे 2 से तो 8 प्लस 2, 5 प्लस 4, 5 प्लस 4। बाबू दोनों को ऐड कर दो, देखो कितना होगा यहाँ से मेरे भाई साहब। देखो इसको इसको जोड़ो तो कितना बचेगा सर जी 11, कितना बचेगा 11। 7 को 4 से ऐड करो तो कितना होगा 11। इसको करोगे तो ये कट के 0 आ जाएगा, ये कट के 0 आ जाएगा। सिंपल सा बातें हैं, आसान सा बातें हैं, बना तो लेंगे ही, बना तो लेंगे ही। देखो इसको इसको जोड़ो कितना होता है बाबू 16 होगा, इसको इसको ऐड करो 5 होगा, इसको इसको 16 5 21। आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस पढ़ना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसको जोड़ो 3 दो कितना होगा 5 होगा, 8 दो कितना होगा 10 होगा, 5 4 कितना होगा 9 होगा। यही हो गया आपका आंसर, क्या दिक्कत है, बस समझना है और कुछ नहीं है। आओ यहाँ पर समझते हैं मेरे भाई, इसको कैसे समझाएंगे। बोले थे कि इसको किसको ऐड करना है, संगत अवयव को जोड़ो, मतलब जो इस वन वो इसके पहले प्लस पर, इस प्लेस पर है और इसके इस प्लेस पर है, उसको ऐड कर दो। और तुमको तो इतना ऐड करने आता है, तुम तो बड़ी बुद्धियार हो। इसको इससे ऐड करोगे, इसको इससे ऐड करोगे, इसको इससे ऐड करेंगे, इसको इससे ऐड करेंगे। बातें फतेह की है, इसको देखना है, इसको इसके साथ ऐड करो तो कोस स्क्वायर थीटा यानी एक्स अब प्लस कितना हो जाएगा भाई साहब, हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स, फिर से समझने का कोशिश करो। साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स यानी क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। फिर देखो साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यही तो हो जाएगा, है क्या इसमें, कुछ नहीं। और तुम तो क्लास टेंथ से फार्मूला पढ़ चुके हो, क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, वन होता है, वन होता है। ये भी कितना होता है, वन होता है, ये भी वन, ये भी वन हो जाएगा। और यही होगा आपका आंसर, यही होगा आपका आंसर, है ना। सुनो इसको एक बार स्क्रीनशॉट इसका उठा लो, उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इसको इसका प्रोडक्ट मतलब इसका गुना, इसको गुना करने बोल रहा है, क्या होगा गुना करने का तो नियम सिखा चुके हैं सर जी। रो को जब आप कॉलम से गुना करिएगा, रो बनाइएगा तो हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर बातें हैं, करना क्या है आइए समझते हैं। बताए थे रो को कॉलम से करके रो बनाइएगा, ए को ए से करिए तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। बोले थे प्लस करने, बी को बी से बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको इससे करिए तो माइनस ए बी हो जाएगा। फिर बी को ए से कीजिए प्लस ए बी आ जाएगा। अब ये ध्यान दे भाई साहब, इसको तो कर लिए, अब इसको करेंगे इन सभी से, माइनस बी गुना ए तो माइनस ए बी प्लस ए गुना बी ए बी। इसको इससे करिए तो बी स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर। सिंपल सा बातें हैं सर जी, ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा सा इसको। अब देखो ये कट के जीरो, ये कट के जीरो, बचेगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा जीरो, यहाँ पर क्या बचेगा जीरो, और यहाँ पर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा आपका आंसर। आपके सामने हम DPP डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं DPP यानी डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस। पहला DPP है आपके सामने, यदि a इक्वल टू मान लो है
चार छः दो एक, और b इक्वल टू है आपके सामने तीन एक नौ और आठ। तो बोल रहा है एक नंबर में a गुना बी निकाल लें, दो नंबर में ए बी निकाल लें, बी ए निकाल लें, और तीन नंबर में बोल रहा है ए स्क्वायर निकाल लें, चार नंबर में बोल रहा है बी स्क्वायर निकाल लें। ये बना करके आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट तो जरूर करना मेरे भाई। नेक्स्ट बात ये, आप स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनेशंस, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आपको बता दिए हैं, इसका बात ये क्या होता है एक बार कमेंट जरूर करना, एक बार आप कमेंट जरूर करना स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशंस क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है ना। तो सो हम लोग मिलेंगे अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जरूर रहिए अपने इस चैनल के साथ, रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक एक क्वेश्चन आपको बना देंगे, आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।